ओए भाई साहब जल्दी चलता हूँ, वैसे ही काफी लेट हो गया यार। लगता है यार पिज्जा भी ठंडा हो गया है। भाई साहब कहीं कस्टमर कंप्लेन ना करते यार मेरे खिलाफ, भाई साहब मेरी तो नौकरी चली जाएगी, फिर मैं यार अपने घर की ईएमआई कैसे भरूंगा। अरे गाइस तुम आ गए यार, तुम सोच रहे हो ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो यार मैं Zomato पे डिलीवरी मार रहा हूँ भाई साहब, ताकि मैं अपने घर का ईएमआई भर सकूं यार। और यार मैं ट्रैफिक में वैसे ही काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ यार, और भाई साहब मुझे जो लोकेशन मिला है वैसे ही काफी दूर है यार। तो फटाफट चलते हो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, और जब तक मैं जा रहा हूँ तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई साहब लगता है यार यही लोकेशन है, फोन पे तो यही दिखा रहा है यार। अबे यार लगता है घर के पास जो आदमी खड़ा है उसी का ऑर्डर है यार। देखो भाई साहब घर के बाहर ही वेट कर रहा है। हेलो सर, Zomato से हूँ, आपका ऑर्डर आया था। अरे यार मैं कब से वेट कर रहा था तेरा, कहाँ रह गया था? अब तक तो तूने मेरा पिज्जा भी ठंडा कर दिया होगा, लगता है तेरी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, इतना लेट खाना जो ला रहा है मेरा। अरे सॉरी सर, प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे यार, फिर मैं अपना ईएमआई कैसे भरूंगा सर। अच्छा चल ठीक है, इतना बोल रहा है तो नहीं कर रहा तेरी कंप्लेंट, ला मेरा पिज्जा तो दे दे। हाँ सर ये लो आपका पिज्जा। गाइस यार वो कस्टमर को तो गुस्सा ही आ गया था यार, मुझ पे कंप्लेंट करने की बात कर रहा था। अगर वो कंप्लेंट कर देता यार तो यार मुझे कंपनी वाले नौकरी से ही निकाल देते, फिर मैं क्या करता और जो मैंने घर लिया उसके ईएमआई में कैसे भरता। भाई साहब बाल बाल बच गया यार, चलो अब जल्दी से घर जाता हूँ। भाई साहब ये गाड़ी कितनी मस्त लग रही है यार, काश मेरे पास भी पैसे होते गाड़ी खरीदने के लिए, फिर मैं भी गाड़ी में घूमता यार। भाई साहब यार आज तो स्कूल में मजा ही आ गया पढ़ाई करने में। अरे यार मेरे दोस्त लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिट्टू, सोनिंग, मिक्की, श्रेक, रेड, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अबे टिंग टिंग ताले गली बिकाली, अंत दूर होता हमारे पास मत आ। अबे ताले गली मेरी कार को टच मत कर। अबे यार बिट्टू तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार मुझे, मैं गरीब नहीं हूँ। अबे टिंग टिंग ताले बिकाली तू गरीब है, तुझे पता नहीं लेकिन तू है। देख मेरे पास कितनी महंगी महंगी पर कार है, तेरे पास देख क्या, तू तो अपनी साइकिल में स्कूल आता है ताले बिकाली। देख मेरे पापा ने मुझे कितने तारे सुपर कार दी है, मैं और मेरे सारे दोस्त ने घूमने जाएंगे। अबे यार बिट्टू मुझे भी अपने साथ में ले चल यार, मुझे भी सुपर कार में घूमना है। अबे ताले बिकाली तिंतर निकल जा यहाँ से, तुझे तो मैं इसको छूने भी ना दूं, अपने साथ तो ले जाने की दूर की बात है। चले जाए यहाँ से, हमारी गाली को गंदा कर ले, निकल यहाँ से बिकाली। अरे यार भाई साहब ये लोग कितने बुरे हैं यार, मैं भी फ्रैंकल भैया को बोलूंगा मुझे कार खरीदने के लिए। चलो भाई साहब जल्दी से अपनी साइकिल लेकर घर जाता हूँ यार, फिर मैं भी फ्रैंकल भैया को बोलूंगा मुझे कार खरीदने के लिए। भाई साहब मजा आएगा, मैं भी फिर कार से स्कूल आऊंगा। चलो यार जल्दी से घर चलता हूँ, भाई साहब मजा आने वाला है यार, मुझे काफी ज्यादा भूख भी लग रही है। भाई साहब फ्रैंकल भैया ने लंच में मुझे शिमला मिर्च दे दिए थे यार। भाई साहब लेकिन शिमला मिर्च तो मैं खाता ही नहीं हूँ यार। और गाइस क्या आपको शिमला मिर्च पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। चलो यार जल्दी से घर जाता हूँ, भाई साहब मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। भाई साहब घर तो मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ पे साइकिल पार्क कर देता हूँ। अरे फ्रैंकल भैया कहाँ हो यार, मैं स्कूल से घर आ गया। फ्रैंकलिन भैया चौप, अरे यार ये दोनों कहाँ गए? भाई साहब फ्रैंकलिन भैया तो रूम में भी नहीं है अपने, और ये चौप भी यहाँ पे नहीं है। भाई साहब ये दोनों कहाँ चले गए? चलो भाई साहब मैं पहले कुछ खा लेता हूँ, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है यार। अरे भाई साहब यार मुझे काफी टाइम लग गया घर आने में, सिंचन की भी स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, वो भी घर आ गया होगा। भाई साहब ये देखो सिंचन की साइकिल खड़ी पड़ी है, मतलब वो घर आ चुका है। फटाफट भाई साहब यार हम भी घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं सिंचन और चौप क्या कर रहे हैं। सिंचन चौप कहाँ हो दोनों, मैं घर आ गया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप आ गए, कहाँ गए थे यार? पता ये चौप भी अभी अभी आ रहा है। अबे हाँ यार मैं तारा के साथ घूमने गया था। अबे भाई साहब चुप, ये तारा कौन है? अबे कलवे दोस्त है मेरी। अबे भाई साहब चुप, तू तो बड़ा तेज चल रहा है यार। अरे फ्रैंकलिन भैया वो छोड़े, मुझे आपसे इंपोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल सिंचन क्या हो गया भाई? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे सुपर कार चाहिए। अबे भाई साहब सिंचन क्या मजाक कर रहा है, कौन सा सुपर कार चाहिए तुझे? अरे फ्रैंकलिन भैया भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में सुपर कार चाहिए यार। अबे सिंचन भाई साहब कैसी बातें कर रहा है यार तू, तुझे सुपर कार कहाँ से लाकर दूं, मैं खुद स्कूटी चला रहा हूँ। भाई साहब फ्रैंकलिन भैया मुझे नहीं पता मुझे सुपर कार चाहिए, मुझे स्कूल में बंटी और बाकी सब लोग चिढ़ाते हैं कि मैं साइकिल से आता हूँ। भाई साहब फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मुझे नहीं पता मुझे सुपर कार चाहिए। अबे भाई साहब सिंचन तुझे मैं सुपर कार कहाँ से लाकर दूं, मेरे जेब में तो सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं, वो भी फटे हुए। अरे मुझे नहीं पता यार फ्रैंकलिन भैया मुझे सुपर कार चाहिए, फिर मैं उसमें स्कूल जाऊंगा, प्लीज दिला दो यार मुझे फ्रैंकलिन भैया। भाई साहब फिर मैं अच्छे से पढ़ाई भी करूंगा यार पक्का, प्लीज प्लीज दिलवा दो यार मुझे फ्रैंकलिन भैया। अबे यार सिंचन तू कितना जिद्दी है यार, तू मेरी बात मानने वाला तो है नहीं, चल आजा भाई साहब फिर मेरे पीछे आ। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ जा रहे हो यार? अबे भाई साहब चुपचाप मेरे पीछे आजा, बुला रहा हूँ तो। अरे फ्रैंकलिन भैया आ गया यार। सिंचन चल यार जल्दी से पीछे बैठ जा, चल रहे सुपर कार देखने के लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन हम जा कर रहे हैं यार। अबे सिंचन भाई साहब हम जा रहे साइमन के पास, उसके पास एक से एक सुपर कार होती है। गाइस यार मजा आएगा, भाई साहब मेरी भी सुपर कार आएगी, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। और भाई साहब जब तक हम साइमन अंकल के पास जा रहे हैं यार, तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो भाई साहब सिंचन साइमन के पास तो पहुँच गए यार हम, तो यहीं पे गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और चलते हैं साइमन के पास। अबे यार सिंचन यार गाड़ी में बैठा रहेगा, आजा जल्दी। अरे भाई साहब फ्रैंकलिन भैया आ रहा हूँ यार। और साइमन कैसा है तू? अरे क्या बात है फ्रैंकलिन आया आज तो, बता क्या हुआ, पैसे वैसे चाहिए क्या गरीब? अरे भाई साहब साइमन कैसी बातें कर रहा है यार, हम तो तेरे पास कार खरीदने आया है। हाँ साइमन अंकल हम कार खरीदने आया यार। अरे यार सिंचन देख यार भाई साहब यहाँ पे कितनी मस्त मस्त कारें खड़ी है भाई साहब। हाँ फ्रैंकलिन भैया कितनी मस्त मस्त कार है यार। अबे साइमन जल्दी से इनके प्राइस बता दे, कितने के है ये सब? अबे फ्रैंकलिन यार ये कार तो 10 करोड़ से स्टार्ट ही है, तेरा तो घर चल जाएगा इसमें। अबे सिंचन ये सब तो काफी ज्यादा महंगी कार है
यार। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे नहीं पता यार, मुझे कार चाहिए यार, देखो यहाँ और कितनी मस्त मस्त कार है यार। वे भाई साहब सिंचन कार तो मस्त है यार, लेकिन भाई साहब पैसे भी तो देख कितनी महंगी है यार, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही पड़े हैं। अरे यार साइमन अंकल कुछ कम तो कर लो यार प्लीज। अरे सिंचन सुपर कार है ये, इसमें कम में क्या ही करूं। चलो तुम लोग मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मैं 9 करोड़ में दे दूंगा। अबे भाई साहब सिंचन 9 करोड़ तो फिर भी बहुत ज्यादा है भाई, इतने पैसे हम कहां से लाएंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया देखो ना, करो ना कुछ, मुझे सुपर कार लेनी है। अबे भाई साहब सिंचन क्या करूं यार मैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया साइमन अंकल को बोलो ना यार थोड़ा और कम करे। अबे भाई साहब सिंचन चल एक बार बोल के देखता हूं। अबे साइमन सुन थोड़ा और कम कर ले यार, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अबे फ्रैंकलिन यार क्या ही कम करूं यार इससे ज्यादा। अच्छा कितने पैसे है तेरे पास। अरे साइमन अंकल हमारे पास तो 10 रुपए है। क्या तुम लोग 10 रुपए लेकर 10 करोड़ की गाड़ी लेने आयो, भगते हो कि नहीं यहाँ से। अभी बुलाऊं अपने गार्ड को। अरे साइमन यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है, अच्छा बता मेरे स्कूटी के कितने पैसे देगा। अबे तेरी स्कूटी तो 10,000 में भी नहीं बिकेगी। अरे साइमन अंकल यार दे दो ना कार यार फ्री में। अबे तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं। अबे फ्रैंकलिन सिंचन को समझा ले, परेशान करे जा रहा है। तुम लोग भगते हो कि नहीं यहाँ से, बुलाऊं अपने सिक्योरिटी गार्ड को। अबे साइमन गुस्सा क्यों कर रहा है यार, जा रहे। अबे भाई साहब सिंचन यार साइमन ने तो बेइज्जती करके भगा दिया यार। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन मुझे कार चाहिए यार। अबे सिंचन पहले चल यहाँ से भाई साहब, स्कूटी में बैठ, मेरे पास एक प्लान है। अरे फ्रैंकलिन भैया कैसा प्लान यार। अबे सिंचन देख यार बैंक में जाकर लोन लेने का ट्राई करते हैं। भाई साहब फ्रैंकलिन भैया उससे क्या मेरी कार आ जाएगी। हाँ हाँ सिंचन शायद बैंक वाले हमें पैसे दे भी दे और शायद ना भी दे। अरे फ्रैंकलिन भैया यार अच्छा बोलो। अबे सिंचन भाई साहब वो तो बैंक में जाकर पता चलेगा। और भाई साहब जब तक हम बैंक जा रहे हैं तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई साहब सिंचन बैंक तो हम पहुंच गए, चल जल्दी से उतर जाओ स्कूटी से। अबे क्या कर रहा है सो गया क्या। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। अबे जल्दी आ जाओ भाई साहब अंदर चल रहा है। भाई साहब यार बैंक तो पूरा खाली खाली लग रहा है, कोई है कि नहीं यार बैंक में। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो यार आगे लोग खड़े हैं, जाओ जल्दी से जाकर लोन मांगो। अबे भाई साहब सिंचन जा रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है। हेलो सर मेरा नाम फ्रैंकलिन है। हाँ बोलो क्या हुआ क्या काम है। असल में सर मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। अच्छा कितने पैसे चाहिए तुम्हें। अरे सर ज्यादा नहीं चाहिए। अरे भाई साहब फ्रैंकलिन भैया घबरा क्यों रहे हो यार, बोल दो ना यार हमें 10 करोड़ चाहिए। अच्छा 10 करोड़ चाहिए तुम लोगों को, किस काम के लिए चाहिए तुम्हें इतने सारे पैसे। अरे अंकल हमें ना सुपर कार लेनी है। अबे भाई साहब सिंचन अपना मुंह बंद कर ले यार। हाँ मिल जाएगा, बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तुम्हारा अपना घर है क्या। अरे भाई साहब अपना ही घर है, अभी अभी लिया है। अच्छा काम क्या करते हो तुम। अरे सर मैं तो यार। अरे भाई साहब फ्रैंकलिन भैया जोमेटो पे डिलीवरी मारते हैं। क्या भगते हो कि नहीं यहाँ से तुम दोनों, डिलीवरी मारते हो और 10 करोड़ का लोन लेने के लिए आए हो। भगो यहाँ से वरना बुलाऊं सिक्योरिटी गार्ड को। अबे भाई साहब सिंचन भाग जल्दी यार यहाँ से। अबे यार भाई साहब यहाँ पे भी हमारी बेइज्जती होगी। अरे फ्रैंकलिन भैया यार वैसे भी इज्जत कहाँ थी हमारी। चोर चोर पकड़ो कोई, उस चोर को मेरा पर्स लेके भाग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो चोर दीदी का पर्स लेके भाग रहा है यार, पकड़ो उसे। अरे चिंता मत करो यार मैं अभी आपका पर्स लेके आता हूँ। अबे भाई साहब कहाँ भागा जा रहा है, रुक जा यार कितनी तेज भाग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया भाई साहब छोड़ना मत उसे। अरे पकड़ा गया भाई साहब, ये ले साले पर्स चोरी करता है, ये ले और खा। अरे ले जाओ यार अपना पर्स, कम से कम इतना तो मत मारो। अरे तुम दोनों का शुक्रिया मेरा पर्स वापस लाने के लिए। अरे मैम कोई बात नहीं, ये तो मैं करता रहता हूँ। अरे दीदी हमारे फ्रैंकलिन भैया तो सुपर हीरो है, ये सब तो वो करते रहते हैं। अबे भाई साहब सिंचन बस बस यार, ज्यादा ही तारीफ नहीं कर दी तूने। अरे तुम दोनों का मैं शुक्रिया कैसे करूं, तुम दोनों ने मेरा काफी कीमती सामान वापस लौटाया है, इसमें काफी कीमती सामान था। अरे चलो कोई बात नहीं अब हम लोग जा रहे हैं। अरे रुको यार मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अरे यार आप हमारी हेल्प कैसे करोगे, भाई साहब हमारी हेल्प तो सिर्फ पैसा ही कर सकता है। अच्छा तुम्हें पैसे की जरूरत है क्या। अरे हाँ दीदी हमें ना पैसे की जरूरत है, भाई साहब हमें सुपर कार लेना है। अच्छा तो ये बात है, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु के पास भेज रही हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैंने फोन में तुम्हें लोकेशन भेज दिया है, चलो अब मैं जा रही हूँ। अरे भाई साहब सिंचन ये लेडी क्या कह रही थी यार, इसके गुरु हमारी मदद कर पाएंगे। चल सिंचन जल्दी से स्कूटर पे बैठ यार, उस गुरु जी के पास चल रहा है। अरे भाई साहब फ्रैंकलिन भैया वो दीदी तो काफी अच्छी थी यार, अब भाई साहब मेरी कार आएगी मैं तो बहुत खुश हूँ। अबे भाई साहब सिंचन वो लेडी ने जो लोकेशन दिया है वो तो काफी दूर है यार लॉस सैंटोस से, तो भाई साहब जल्दी से चलते हैं फटाफट उस लोकेशन पे, तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो। और यार सिंचन हम लोकेशन पे तो पहुंच गए यार, ये जो लोकेशन दिखा रहा है वो पहाड़ के ऊपर दिखा रहा है भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो यहाँ पे एक बाबा बैठे पड़े हैं। अबे हाँ सिंचन भाई साहब लगता है इसी बाबा के बारे में कह रही थी वो लड़की, लेकिन इनको उठाए कैसे। अरे बाबा उठ जाओ यार आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या हुआ बच्चे तुम दोनों मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। अरे बाबा हम आपको परेशान नहीं कर रहे, हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। कैसी मदद, और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। अरे बाबा आपका लोकेशन हमें एक दीदी ने बताया है, उनने कहा था आप हमारी मदद करोगे। अच्छा बच्चे कैसी मदद चाहिए तुझे। भाई साहब बाबा हमें पैसे की जरूरत है यार, हमें सुपर कार लेना है। भाई साहब मेरे स्कूल में सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं साइकिल से स्कूल आता हूँ। तो अच्छा बच्चे ये बात है, अब देख मैं तुझे कितना ज्यादा अमीर बना दूंगा, चुपचाप यहीं पे खड़ा रहियो। अरे भाई साहब ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार। बच्चे अब तो किसी भी चीज को छुएगा वो डायमंड में बदल जाएगा। अबे सिंचन ये तुझे क्या हो रहा है भाई साहब, तेरे से ये कलर कैसे निकल रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे नहीं पता यार, भागो जल्दी यहाँ से, इस बाबा ने तो मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यार। जल्दी से चलो यहाँ से फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से पीछे बैठो भाई साहब। ओए बच्चे रुक जाओ। अरे हम नहीं रुकने वाले, हम तो जा रहे हैं। भाई साहब फ्रैंकलिन भैया बाल बाल बच गए यार। अबे हाँ सिंचन यार लेकिन भाई साहब ये स्कूटी का कलर कैसे चेंज हो गया। अबे सिंचन भाई साहब जल्दी से स्कूटी को साइड में रोक। अरे फ्रैंकलिन भैया हाँ यार इसका कलर तो चेंज हो गया। अबे भाई साहब सिंचन देखने दे यार,
ये तो डायमंड लग रहा है यार देखने में। अबे भाई साहब ये कैसे हुआ यार, लेकिन ये स्कूटी तो डायमंड में बदल गई। अबे भाई साहब सिंचन कहीं वो बाबा सच तो नहीं बोल रहा था कि तू किसी चीज को भी छुएगा वो डायमंड में बदल जाएगा। अबे सिंचन जल्दी से मेरे पीछे आ, भाई साहब एक और बार ट्राई करके देखते हैं। भाई साहब सिंचन इस गाड़ी को टच कर यार। अरे फ्रैंकलिन भैया कर रहा हूँ यार। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो सही में डायमंड में बदल गया यार। अबे हाँ सिंचन भाई साहब तूने तो इसको भी डायमंड में बदल दिया। भाई साहब तेरे पास तो मस्त पावर आ गई। चल अब जल्दी से रोड के साइड में आ जा, ट्रैफिक लग रहा है। अरे भाई साहब फ्रैंकलिन भैया आ रहा हूँ यार। अरे यार इसने तो मुझे उड़ाई दिया। अबे सिंचन भाई साहब ठीक है तू? अरे फ्रैंकलिन भैया ठीक हूँ यार मैं, भाई साहब मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे आप बैठ सिंचन यार, भाई साहब अब साइमन के पास चलते हैं, उसको ये डायमंड की स्कूटी बेच के सिंचन के लिए मस्त सा सुपर कार खरीद लेंगे। अरे भाई साहब बड़ा मजा आने वाला है, अब मेरी सुपर कार आएगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम लोग भी खुश हो ना गाइज मेरी डायमंड की पावर के लिए। तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई साहब सिंचन हम साइमन के शोरूम में पहुंच चुके हैं। और साइमन कैसा है? अबे तुम दोनों फिर से आ गए। अबे साइमन इस बार हम सिंचन के लिए कार खरीदने के लिए आए हैं। ये देख हम डायमंड की स्कूटी लेकर आए। अबे हाँ तुम दोनों ये डायमंड की स्कूटी कहाँ से ले आए? अरे फ्रैंकलिन सिंचन ये तो असली डायमंड है यार, तुम लोग कहाँ से लेकर आए? अबे साइमन अब तो ये बता तू इसके बदले कितने पैसे देगा हमें? अबे यार फ्रैंकलिन तू इसके बदले 10 करोड़ ले लियो यार। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो हमें 10 करोड़ दे रहा है यार। अरे हाँ सिंचन लेकिन साइमन सुन मेरे पास एक प्लान है। अगर मैंने तेरी सारी गाड़ियों को डायमंड में बदल दिया तो क्या तू मुझे 100 करोड़ और सबसे महंगी वाली कार देगा? अरे हाँ फ्रैंकलिन ले लियो लेकिन तू ये सब करेगा कैसे? अबे साइमन वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। भाई साहब सिंचन सुन सारी गाड़ियों को डायमंड में बदल दे यार। अरे भाई साहब अब देखो सारी गाड़ियों में चढ़ के सबको डायमंड में बदल दूंगा। भाई साहब ये देखो 3 2 1। अबे फ्रैंकलिन और सिंचन ये तो सही में डायमंड में बदल गया यार। अबे यार तुम दोनों ने ये कैसे किया मुझे भी तो बताओ। अबे साइमन अब जल्दी से पैसे भेज दे। अबे हाँ फ्रैंकलिन मैंने पैसे तेरे फोन में भेज दिया है। अबे साइमन अब मैं कोई सा भी कार ले लूँ ना? अबे हाँ फ्रैंकलिन यार ले जा तेरी कार है। तो भाई साहब सिंचन कौन सी कार ले यार? चलो ये वाली ले लेते। चल आजा जल्दी से अंदर बैठ जा सिंचन। अरे फ्रैंकलिन भी आया यार। भाई साहब ये कार तो काफी फास्ट चलती है यार, और भाई साहब इसमें तो बुलेट भी फायर होते हैं यार। अरे यार ये तो काफी डेंजर कार है। भाई साहब मुझे नहीं लगता यार ये कार मुझे सिंचन को देना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भी ऐसा मत करो यार। तो गाइस तुम लोग कमेंट में बताओ सिंचन को ये कार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और भाई साहब सिंचन अपने घर तो हम पहुंच गए। और यार ये लोग कौन खड़े हैं हमारे घर के बाहर? अरे फ्रैंकलिन कहाँ था तू? तब से तेरा ही वेट कर रहे थे हम लोग। अरे हाँ लेकिन भाई साहब तुम लोग हो कौन? अबे तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं डगन बोस। तूने मेरे 20 करोड़ लिए थे। अरे हाँ भाई साहब अभी याद आया। अच्छा तुझे याद आ गया, वरना तेरी हालत ऐसी कर देते तू कभी याद ही नहीं कर पाता। मेरे पैसे कब वापस कर रहा है तू? EMI भी टाइम पे नहीं देता। अरे डगन बोस ये लो तुम्हारे 20 करोड़, अब वापस मत आना डिस्टर्ब करने, तुम्हारा मेरा क्लियर हो गया। चल भाई साहब सिंचन अब घर के अंदर चलते हैं। और भाई साहब सिंचन यार अभी भी हमारे पास 80 करोड़ बचे हुए हैं, तो भाई साहब उसका हम क्या करें वो तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगा। और भाई साहब सिंचन तुझे अपने व्यूअर से कुछ कहना है तो जल्दी से कह दे। हाँ गाइस यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।